दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बहुत से लोगों में शरीर के ऊपर कहीं भी, ज़्यादातर गर्दन के आसपास, हाथों पे, चेहरे पे, बदन पर कहीं भी छोटे छोटे मस्से हो जाते हैं, और ये कपड़ा लगने से भी दर्द करने लग जाते हैं। इनके ऊपर कपड़ा फिरता रहेगा, हमने शर्ट पहन रखा है, बनियान पहन रखी है, और अगर हमारे बदन के ऊपर मसा है तो वो मसा जैसे ही कपड़ा हिलेगा वैसे ही वो रगड़ खाने से दर्द करेगा। तो दोस्तों मसा चेहरे पे कहीं भी हो जाता है, हमारे गर्दन पे हो जाता है, शरीर के किसी भी हिस्से के ऊपर मसे हो जाते हैं, या ये काले काले स्पॉट्स वाले तिल हो जाते हैं, जिसको तिल बोलते हैं, ये हो जाते हैं, तो इससे हमारा चेहरा भी बदसूरत दिखने लग जाता है। तो इनके लिए मैं एक रामबाण नुस्खा लेके आया हूँ, और आप कुछ ही दिन इन नुस्खों को करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है और मस्से जड़ से खत्म होते जा रहे हैं। कई लोग होते हैं एक दिन दो दिन प्रयोग किया और कहने लग जाते हैं ये दवाई काम की नहीं है, और झट कमेंट में लिख देते हैं हमने दो टाइम किया और फायदा नहीं हुआ। दोस्तों ये आयुर्वेद है, आयुर्वेद की बहुत गहरी बात है कि आयुर्वेद हमारी बीमारियों को जड़ से काटता है, और जड़ से काटेगा तो वो टाइम भी लेगा। तो हमें ये नहीं देखना है, मैं कोई आपको टेबलेट नहीं बता रहा हूं कि टेबलेट एक घूंट पानी के साथ में लिया और एक घंटे बाद में सिर दर्द गायब हो गया, ऐसा नुस्खा मैं नहीं बता सकता, ना ही ऐसा नुस्खा आयुर्वेद में है, क्योंकि आयुर्वेद की कोई भी जड़ी बूटी है वो 5-7 दिन से आपका असर दिखाना शुरू करती है। तो आपको ये देख लेना चाहिए कि कम से कम आपको 7 दिन से लेके 20-21 दिन तक हर नुस्खे को अजमाते रहना चाहिए, उसके बाद में आपको पता चलेगा कि आपके ऊपर असर हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं कहता हूं कि मैं जो नुस्खा बताता हूं, कोई भी नुस्खा मैंने बताया है उसका 100% असर होगा। मेरे पास बहुत से कमेंट आते हैं हमने 2 बार लगाया था असर नहीं हुआ। दोस्तों 2 बार लगाने से या 2 बार खाने से असर नहीं होगा। तो ऐसा मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आइंदा के लिए ध्यान रखें कि जब भी आप मेरे नुस्खे को आजमाएं तो 7 दिन से असर होना शुरू हो सकता है, 20 दिन बाद में भी असर होना शुरू हो सकता है मेरे नुस्खों का। तो मेरे नुस्खे को कम से कम 20-21 दिन जरूर आजमाएं, आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों जैसा हमेशा मैं बताया करता हूं, मैं हूं रवि गिरी और आप मेरा चैनल देख रहे हैं रवि गिरी बाबा का सच। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे, और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबाकर आप मेरे परिवार का हिस्सा बन जाइए, और जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत आपको क्वालिटी वीडियो मिलता रहेगा, तुरंत मिलेगा आपको बेल आइकन दबाने से। तो ये काम पहले जरूर कर लेना है। चलो चलते हैं, मैं आपको नुस्खा बता रहा हूं कि नुस्खे को कैसे बनाना है और कैसे प्रयोग करना है। तो दोस्तों आपको क्या लेना है कि आप बाजार से जो ये चूना में लोग ये मसल के खाते हैं ना, कैल्शियम चूना खाते हैं जो ये तंबाकू के साथ में, तो ये तंबाकू के साथ में चूना जो होता है वो भीगा हुआ और ठंडा चूना बन जाता है, तो वो नुकसान नहीं करता। तो वो चूना आप पनवाड़ी से ले आइए, आपको 1 रुपए का चूना भी बहुत होगा। तो आपको क्या करना है कि वो चूना लाके उसको हल्का सा पानी डाल के उसको पतला कर लेना है, ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, रबड़ी टाइप रखना है कि वो गाढ़ा रहे, थोड़ा सा लेप टाइप रहे। अब आपको क्या करना है कि इसके अंदर 2 चुटकी उस 1 चम्मच चूने के अंदर आप जो कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट पाउडर होता है
वो पाउडर डाल के और चम्मच से अच्छी तरह उसको मिला लेवे। अगर ज्यादा पतला हो गया है, पानी आपने ज्यादा डाल लिया है, तो पानी सुखाने के लिए कृपया उसको कुछ देर के लिए धूप में रख देवे और फिर उसको हिलाते हुए देखें कि एकदम गाढ़ा पेस्ट बन गया है। जब यह अच्छी तरह चूने के अंदर डिटर्जेंट पाउडर मिल जाए, इसको अच्छी तरह मिला लेना है, मिल जाए तो आपका ये नुस्खा तैयार हो गया है। अब आपको क्या करना है, माचिस की सींक लेनी है, माचिस की तीली, या फिर ये दांत में से यूँ कुचरते रहते हैं कोई भी चीज़ निकालने के लिए, जिसको इंग्लिश में टूथपिक बोलते हैं, वो लकड़ी होती है आगे से तीखी होती है, तो ऐसी लकड़ी आप ले सकते हैं, टूथपिक भी ले सकते हैं, और उसकी नोक पे थोड़ा सा लगाइए, ये जो पेस्ट बनाया हमने ये थोड़ा सा लगाइए, और जो भी मस्सा है उस मस्से के ऊपर लगाना है। दोस्तों इसको चमड़ी पे चारों तरफ मत लेप कर देना, खाली उसके ऊपर ऊपर लगाना है, जितने भी मस्से हैं उनके ऊपर ऊपर लगा के और छोड़ दो। थोड़ी देर बाद में देखोगे कि जैसे छोटे वाली चींटी हल्की हल्की काटती है, ऐसा हल्का हल्का आपको लगेगा कि चींटियां सी काट रही है, तो आपको घबराना नहीं है, कुछ देर लगेगा। वो क्या है कि वो ये जो नुस्खा है ये अंदर तक जाके उसकी जड़ों को जलाने की कोशिश करेगा। ऐसा आपको क्या करना है कि एक घंटा तक पड़ा रहने देना है, जैसे ही ये सूख जाए तो आप उसको धो भी सकते हैं, पोंछ भी सकते हैं। ऐसा आप दिन में दो बार जरूर करें, सुबह शाम के हिसाब से दिन में दो बार जरूर करें, और कम से कम 7 दिन इसको करें। 7 दिन करेंगे ना, तो ये मान लो कि 7 दिन में करीब करीब मस्से आपके सूख के खत्म हो जाएंगे, जड़ से खत्म हो जाएंगे। ये आजमाया हुआ, एकदम आजमाया हुआ योग है, और हमने खुद अपने हाथों से लोगों के कईयों के मस्से हमने ठीक किए हैं। तो इस नुस्खे को आप कर लेना, जितने भी मस्से हैं सारे के सारे गायब हो जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।